यहाँ पे कल्लू वांगड़ करके जो फार्मर है उन्होंने मधुमक्खी का खेती बहुत अच्छी तरह से किया है। मधुमक्खी हाँ कोई भी पीक के लिए परागीभवन का काम करता है, जिससे फसल का उपज बढ़ता है। जो फूल में जो परागीभवन होने के बाद ज़्यादा फल लगते हैं, इससे फसल की फसल ज़्यादा बढ़ती है। ये कल्लू वांगड़ जो उन्होंने लगभग 15 साल पहले कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रशिक्षण लिया था, जो मधुमक्खी के कैसा पालना है उसके लिए। उसके बाद उन्होंने 2 पेटी से शुरू किया, अभी 2 से 4 पेटी, 10 पेटी, अभी उनके फार्म में लगभग 50 पेटी है। यह पेटी वो ये कल्लू वांगड़ खाली पेटी रखते नहीं, तो पेटी बनाने का भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। फिर जंगल से जो मधुमक्खी, ये जो मधुमक्खी है ये सातेरी बोलते हैं इसको, एपिस सेरेना इंडिका, ये मधुमक्खी कैसी पकड़ना है मटके से उसका वो भी करते हैं, उसका प्रशिक्षण लिया है। मटके में से पेटी में भरते हैं, फिर उसकी देखभाल भी करते हैं, फिर भरने के बाद उसका जो हनी मद जो निकलते हैं, ऐसा मद भी शुद्ध मद मिलता है वो भी निकलते हैं। फिर ये जो टोपी कैप मेरे पास है ये पहन के अगर करते हैं तो मधुमक्खी काटने का कोई खतरा नहीं रहता, ऐसे करते हैं मधुमक्खी काटती नहीं है, तो इसका एक बहुत ही है। फिर मधुमक्खी जो फार्मर नए नए फार्मर है, हम कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण देते और ये कल्लू जो है वो लोगों को मधुमक्खी किसको है तो मधुमक्खी देते, किसी को अगर पेटी चाहिए तो पेटी भी देते हैं बनवा के, और कई फार्मर के पास सर्विस चाहिए उसको तो कल्लू वांगड़ जाकर उनका साफ सफाई, मद निकालना, हनी निकालने सब काम करते हैं। हम कृषि विज्ञान केंद्र में हर महीने में एक दिन का प्रशिक्षण होता है, और ये प्रशिक्षण से बहुत लोग उनका रोजगार मिलता है। एक तो मधुमक्खी पालने से उनका प्योर हनी मिलेगा, मध में शहद मिलेगा, शहद मिलने से और शहद बेचते हैं उसमें एक रोजगार मिल उपलब्ध होता है। दूसरा, मधुमक्खी जो फार्मर खेती में रखेगा उसकी फसल बढ़ जाएगी, उसके आम के आम हो गए, चीकू हो गए, या तो जो भी फसल होगी उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं कोसबाड़ कृषि विज्ञान पालघर जिले से मधुमक्खी का प्रशिक्षण लिया है। मैं लगभग मधुमक्खी का 15 साल से व्यवसाय कर रहा हूँ। इस व्यवसाय में मैं पेटी बनाता हूँ, जंगल से मधुमक्खी लाकर पेटी में भरता हूँ, फिर मधुमक्खी के कॉलोनी डिवाइड करता हूँ और पेटी में मधुमक्खी का देखभाल करता हूँ। आज मेरे पास 50 पेटी है। किसी फार्मर को पेटी चाहिए तो पेटी बना कर देता हूँ मैं, किसी को मधुमक्खी चाहिए वो मधुमक्खी भी देता हूँ। एक साल में लगभग मैं पेटी 60-70 तक बनाता हूँ और फार्मर को बेचता हूँ, 100 किलो शहद बेचता हूँ। मेरे कुटुंब में सभी लोग मेरे मदद करते हैं। मधुमक्खी व्यवसाय में से मेरे को एक साल में 2-2.5 लाख मिल जाता है। मेरे बच्चे अभी स्कूल में अच्छे स्कूल में जाते हैं। मैं अभी फार्मर को सुझाव देता हूँ, मधुमक्खी पालने से आपकी आमदनी, खेती की आमदनी बढ़ेगी, इसीलिए कोसबाड़ कृषि विज्ञान का मैं आभारी हूँ।